नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि गर्म है या जिस पे सबकी नज़र लगी है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ये न केन प्रकारण हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी भी लगी है और विपक्ष भी जो अभी पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा था उसका भी निशाना कहीं ना कहीं यूपी तो है ही। पेगासस हो, किसान हो, महंगाई हो, डीजल पेट्रोल हो, सब पे सरकार की घेराबंदी हो रही है ताकि अगले साल के शुरू में जब 5 राज्यों में चुनाव हो तो लोगों को ये पता रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया और मोदी को हराया जा सके, योगी को हराया जा सके। इसी बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक है और एक दिनेश शर्मा है। कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से योगी आदित्यनाथ की कभी नहीं पटी और वो हमेशा मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे। अभी जब 2022 की तैयारी हो रही थी और इधर 2021 में सवाल उनसे पूछे जा रहे थे तो जब पूरा हाईकमान लखनऊ से दिल्ली किए हुए था उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि सीएम का चेहरा तो हाईकमान डिसाइड करेगा। तो उसके बाद से काफ़ी राजनीति गर्म हुई थी। अल्टीमेटली योगी उनके घर गए थे और सब कुछ सेटल हो गया था ऐसा कहते हैं। इसी बीच क्या हुआ, केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर के यानी कि उनकी डिग्री को फर्जी बताया गया है और मामला चला गया है प्रयागराज ACGM के कोर्ट में और कोर्ट ने जो कोतवाली पुलिस है उससे जांच करके और 25 अगस्त तक रिपोर्ट देने की बात कही है। इसमें फिर से 25 अगस्त को सुनवाई होगी। जैसे ही उन्हें कथित फर्जी डिग्री का मसला आया फिर से राजनीति गर्म हो गई। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो लेकर के गए हैं कंप्लेंट वो कभी बीजेपी में काफ़ी एक्टिव रहे, उन्हीं के पार्टी के नेता बताए जाते हैं। अब क्या है पूरा मामला, जरा इसको सुन लीजिए। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये कार्रवाई यानी कंप्लेंट बीजेपी के ही सीनियर नेता और RTI एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की पहल पे हुई है। दिवाकर ने FIR का आदेश देने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह की अदालत में अर्जी दी थी। अर्जी दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 1563 के अंतर्गत दायर की गई। कोर्ट ने दिवाकर के वकील उमाशंकर चतुर्वेदी की दलीलों को सुनकर पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने कहा था कि 2007 में प्रयागराज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा भी उन्होंने कई चुनाव लड़े। इन चुनावों में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के तौर पर उन्होंने हिंदू साहित्य सम्मेलन की ओर से जारी प्रथमा द्वितीय आदि की डिग्री लगाई है। दिवाकर का दावा है कि ये डिग्री मान्य नहीं है और पूरी तरह से फर्जी है। केशव मौर्य पर ये आरोप भी लगाए गए हैं कि उन्होंने फर्जी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के आधार पर ही पेट्रोल पंप भी अलॉट कराया है। तो जैसा कि आपने सुना सब कुछ स्पष्ट है, 25 अगस्त पे सबकी नज़र है। कहीं कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया, FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा क्योंकि फिर तो केशव प्रसाद मौर्य जो है एक मुद्दा बन जाएंगे। ऑलरेडी बीजेपी के कई नेताओं पे फर्जी डिग्री के आरोप लगते रहे। आपको बता दें कि 2012 में सिराथू विधानसभा सीट से ये केशव प्रसाद मौर्य जीते थे विधायकी का चुनाव, लेकिन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो ये फूलपुर से 300,000 मतों से जीत करके लोकसभा में पहुंचे। इसी बीच में यूपी का डेवलपमेंट हुआ और योगी जो है मुख्यमंत्री बने तो इनको भी भेजा गया उत्तर प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हुआ था तो इनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी बनती थी, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फिर उन्हें लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ी और विधान परिषद से ही आए और फिलहाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन योगी के लिए हमेशा परेशानी का सबब रहे, आखिरकार किसके इशारे पे क्यों की गई ये शिकायत, वो ACGM के कोर्ट में, ACGM कोर्ट से जांच का आदेश हुआ है। इस पे हमारी नज़र रहेगी कि अल्टीमेटली क्या जो जांच का आदेश हुआ है उसमें क्या रिपोर्ट पेश की जा रही है और क्या मुकदमा दर्ज होता है, FIR होती है क्या। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।